मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कंट्री में ये बात पूरी तरह से फैली हुई थी कि आगे जाके पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि कोई जॉब ही नहीं है, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी और लोग भूखे मरेंगे। इस बात की वजह से स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले टीनेजर्स काफी हर्ट होते हैं कि फिर हमारी पढ़ाई का फायदा ही क्या है, तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और क्रिमिनल्स बन जाते हैं, चोरियां करने लगते हैं, रॉबरी करने लगते हैं और हर उल्टा काम। यानी टीनेजर्स इस बात को लेके काफी अग्रेसिव हो गए थे कि हमने जितना भी कुछ पढ़ा उसका कोई फायदा नहीं होने वाला हमें, हम अगर जॉब नहीं करेंगे तो अर्न कहाँ से करेंगे। इस वजह से उस मुल्क में क्राइम बढ़ता जा रहा था जिसको लेके गवर्नमेंट और बाकी लोग भी काफी परेशान थे। तो वो सब लोग एक प्लान करते हैं, वो कहते हैं कि हम एक बैटल रॉयल गेम खेलेंगे। नाम से तो साफ पता चल रहा है कि ये गेम नहीं बल्कि कोई लड़ाई होने वाली थी। इसके लिए किसी स्कूल के एक क्लास को चुना जाएगा और फिर उन्हें एक जंगल में ले जाकर खिलाया जाएगा, यानी वो लोग आपस में ही लड़ेंगे। लेकिन इस गेम की सबसे खतरनाक बात ये थी कि विनर वही होगा जो एंड में सरवाइव कर जाएगा, यानी बच्चे चाहे 100 हो या 200 विनर एक ही बचेगा जो कि आखिर में जिंदा बचने वाला है और बाकी सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। ये गवर्नमेंट का प्लान था क्योंकि वो जानते थे कि सारे टीनेजर्स काफी अग्रेसिव हो चुके हैं और अब क्रिमिनल्स बन चुके हैं और यही एक तरीका है इनको खत्म करने का। अब मूवी यहाँ से टर्न लेती है और हम देखते हैं कि पिछले साल जो बैटल रॉयल में लड़की विन की थी उसे उस जंगल से बचाकर लेके आया जा रहा होता है। वो काफी इविल स्माइल पास कर रही थी। अब हमें किसी स्कूल का एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम था नानाहारा। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो काफी अकेला फील करता था। अब जो टीचर इनको पढ़ाया करते थे वो अपने क्लास में बेचारे अकेले ही बैठे रहते थे। जब कोई स्टूडेंट ना आता तो वो खुद भी बाहर चले जाते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बच्चों ने पढ़ाई, स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ छोड़ दिया था। अब एक दिन वो टीचर इसी तरह ही हार्ट ब्रोकन होकर अपनी क्लास से बाहर आ रहे होते हैं कि एक अजीब सा स्टूडेंट उनकी टांग पर चाकू मार के वहां से भाग जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से उन टीचर का दिल बहुत ज्यादा दुखता है और वो कहते हैं कि मैं स्कूल ही छोड़ के चला जाऊंगा। और अब बच्चे मजीद बिगड़ने लगते हैं जब उनके सर पर कोई टीचर ही नहीं रहा था। अब हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट को पूरा साल गुजर जाता है और इस क्लास को अनाउंस किया जाता है कि आप लोगों की ट्रिप जा रहा है। ये क्लास बहुत ही ज्यादा मिस्चीवियस थी और इनमें 3 लोगों का ग्रुप था, नानाहारा, एक उसकी दोस्त नोरिको और एक और मेल बेस्ट फ्रेंड। ये लोग ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और ये सब एक बस में बैठे हुए थे। कुछ ही टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन जिस जगह पर इन्हें होश आता है वो जगह काफी अजीब थी और इन्होंने पहले कहीं नहीं देखी हुई थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई ट्रिप वाली जगह है। ये लोग नोटिस करते हैं कि इनके गले में वॉच जैसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉलर है जिसने इनके गर्दन को जकड़ा हुआ है। इनके सामने इनका वही पुराना टीचर था जो कि स्कूल छोड़कर चला गया था। ये सब उसे देख के काफी हैरान होते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और जो टीचर हमारे साथ आए थे वो कहाँ पर है। तो वो बहुत अजीब तरह से इनसे बात करता है और कहता है कि उसको तो मैंने मार दिया। ये टीचर दरअसल अपना बदला लेना चाहता था और यहाँ पर हम पे ये रिवील होता है कि ये वही क्लास थी जिसको इस साल चुना गया था बैटल रॉयल खेलने के लिए और ये इस वक्त उसी जंगल में थे जहाँ पे किसी एक को सरवाइव करना था। इसके साथ ही वो टीचर इन्हें एक ट्यूटोरियल वीडियो दिखाने लगता है कि असल में ये जंगल कितना बड़ा है, इसका मैप क्या है और किस तरह से इनको इस गेम को खेलना है। अब इस वीडियो पर एक लड़की ध्यान नहीं दे रही होती तो वो टीचर उठ के उसके सर में चाकू फेंकता है जिसकी वजह से उस बेचारी की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब देखते हुए एक स्टूडेंट डर के भागने लगता है और उस टीचर पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो टीचर उसके गर्दन पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉलर ऑन कर देता है जिसकी वजह से वो कुछ ही सेकंड्स में ब्लास्ट कर जाता है और उस बेचारे लड़के की वहीं पर डेथ हो जाती है। वहाँ पे सारे बच्चे परेशान होकर भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर आर्मी डिप्लॉयड थी, वो उन्हें रोकती है और कहीं नहीं जाने देती। उसके बाद उस वीडियो को दोबारा से चलाया जाता है। अब वो लड़की इनको बताती है कि आपको इस बैटल में 3 दिन गुजारने होंगे और जो एंड पे बच जाएगा वही इस गेम का विनर होगा। साथ ही साथ वो लड़की इनको ये भी बताती है कि जो बैग्स आपको दिए जाएंगे उसमें क्या क्या होगा। हर एक के बैग में अलग अलग वेपन्स होंगे और कुछ खाने पीने का सामान कि जिससे ये लोग सिर्फ जिंदा रह सके। वहाँ पर किसी और स्कूल के भी 2 स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये गेम खेली हुई थी और वो दोनों काफी सीरियस लग रहे थे। इनसे कहा जाता है कि अगर आपने इस जंगल से बाहर जाने की कोशिश की तो जो आपके गर्दन पर ये बेल्ट्स लगी हैं ये ब्लास्ट हो जाएंगी और आप लोग मारे जाएंगे। वो सब बच्चे काफी डर जाते हैं और फिर नोरिको और नानाहारा वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। उनके पास उनके बैग्स भी थे। उन पर कोई स्टूडेंट अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग कर एक केव में चले जाते हैं और नोरिको बेचारी यहाँ पर जख्मी हो चुकी थी तो
वो लोग अपने बैग्स खोलकर देखते हैं ये देखने के लिए कि इसमें कौन कौन से वेपन्स हैं। लेकिन उनके बैग में तो कुछ नहीं होता सिवाय एक बाइनोक्यूलर के और एक शील्ड के जो कि एक पतले से स्टील की थी। इसी दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो उनका तीसरा मेल फ्रेंड होता है वो यहाँ पर मारा जाता है। दूसरी तरफ सारे बच्चे मिलकर उसे ट्रांसफर स्टूडेंट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं जिसके कर्ली बाल थे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो पहले भी बैटल खेल चुका था इसलिए उसे सब कुछ पता था, तो वो उन्हीं से फाइट बैक करके उनके सारे वेपन्स छीन लेता है और फिर उन्हें मार देता है। अब दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स इतने ज्यादा डरे हुए थे, इतने ज्यादा परेशान थे कि वो खुद ही अपनी जाने लेने लगते हैं, कभी खाई से जंप करके और कभी खुद पर ही अटैक करके। अब ये सारा दिन और रात ऐसे ही गुजर जाती है और जैसे ही अगली सुबह होती है तो वो टीचर सबके नाम अनाउंस करने लगता है जो जो लोग मारे जा चुके थे, और वो ये भी बताता है कि किसकी जान अब खतरे में है और किसकी स्कोरिंग कम है। और हैरानी की बात ये थी कि उसमें नूरी को और नाना हरा का भी नाम था, तो वो लोग डर के दोबारा से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनका अपना ही दोस्त आकर उन पर अटैक करने लगता है। नाना हारा उन दोनों को डिफेंड करने की काफी कोशिश करता है और इसी डिफेंस में वो एक्स उसके अपने ही दोस्त के सर पर लग जाती है। अभी वो लड़का मरा ही था कि एक और लड़का इनको मारने के लिए आ जाता है, लेकिन उस पर अटैक करता है वही दूसरा ट्रांसफर स्टूडेंट। वो अब नूरी को और नाना हारा के साथ मिल चुका था। वो लड़का इन दोनों को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग किसी और की मदद नहीं करोगे, यहाँ पर सबसे जरूरी बात है अपनी जान बचाना। मैं पहले बैटल खेल चुका हूँ इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर अमल करना होगा तभी यहाँ पे सरवाइव कर सकोगे। तो नाना हारा कहता है कि फायदा क्या होगा जब हम में से सिर्फ एक ही बंदा सरवाइव कर सकेगा। तो वो स्टूडेंट कहता है कि स्टिल हम आखिर तक बच सकते हैं। वहाँ पर नूरी को काफी जख्मी हुई होती है और उसे वो लोग उठाकर एक घर की तरफ ले आते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी एक स्टूडेंट भी छुपा हुआ था, वो काफी अच्छा हैकर था। वो कहता है कि हमारे गले में जो डिवाइस लगी हुई है इसकी वजह से वो प्रोफेसर हमारी सारी बातें सुन पा रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए और हो सकता है कि इसके बाद वो हमें ट्रैक भी ना कर सके और हम यहाँ से भाग सके। वहाँ पर एक बैड गर्ल भी होती है जो सबको अपने मकसद के लिए मार रही थी, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपना सोचने वाली थी, तो वो वहाँ पर आकर स्टूडेंट्स को मारती जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उन तीनों स्टूडेंट्स पर जो कि किसी के घर में थे। अब वहाँ पर जो ट्रांसफर स्टूडेंट होता है वो नोरिको को और नाना हारा को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि लास्ट टाइम जब ये बैटल हुआ तो मैं और मेरी दोस्त इस बैटल में सर्वाइवर्स बच गए थे, अब हम दोनों में से किसी एक को बचना था, तो मेरी दोस्त ने जानबूझकर मेरे पांव पर गोली मारी कि मैं अग्रेसिव होकर उसे मार दूं, ये समझते हुए कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन वो बेचारी तो मुझे बचाना चाहती थी। मैंने गुस्से में आकर उसे मार दिया और मैं सर्वाइव कर गया, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकूंगा। और ये बात बताते हुए वो बेचारा रोने लगता है। यानी ये तीनों यहाँ पे काफी इमोशनल हो गए थे क्योंकि ये जानते थे कि इन सबको एक दूसरे को खोना होगा। तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है और एक स्टूडेंट को मार के उसके मुंह में बॉम्ब डाल के उसका सर इनके घर के अंदर फेंक देता है ताकि ये सब कुछ एक्सप्लोड हो जाए। लेकिन उससे पहले ही ये तीनों उस घर से बाहर आ जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। कर्ली बालों वाला ट्रांसफर स्टूडेंट इनके खिलाफ था, वो वहाँ पर आता है और नाना हारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक और दोस्त उसका उसको बचा लेता है। फिर वो लोग जाते हैं उसी हैकर के पास जिसने इनकी डिवाइसेस हैक करनी थी। उनका ये प्लान होता है कि हम बाकी स्टूडेंट्स के भी डिवाइसेस को हैक करके उनको एक्सप्लोड कर देंगे जिनसे वो सारे मारे जाएंगे और हम तीनों यहाँ जिंदा बच जाएंगे, और जब सब मारे जाएंगे तो फिर हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि नाना हारा बेहोश हो जाता है और जहाँ पर उसको होश आता है वो एक लाइट हाउस था। उसके पास एक लड़की थी जिसने उसके सपनों पर पट्टी की हुई थी। उस लाइट हाउस में 6 लड़कियां और थीं और उन लोगों के पास काफी एडवांस वेपन्स थे। तभी वो लेता होकर यहाँ पर आ गई कि हो सकता है कि हम बच सके। लेकिन उसमें से एक लड़की नाना हारा से नफरत करती थी, उसे ये लग रहा था कि उसने उसके दोस्त को मारा है, तो वो उस खाने में जहर मिला देती है जो कि नाना हारा के पास जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही उसे कोई और लड़की खा लेती है जो कि उसी की दोस्त थी, और उन सब में इस बात को लेकर काफी लड़ाई होने लगती है, तो वो सब एक दूसरे को शूट करके ही मार देती है और वो लड़की खुद ही सुसाइड कर लेती है। अब नाना हारा को जब होश आ चुकी होती है तो वो परेशान होता है कि नूरी को कहाँ पर गई, तो वो नूरी को और उस हैकर को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नूरी को और वो लड़का बेचारे डेंजर जोन में होते हैं। नूरी को काफी जख्मी होती है जिसकी वजह से उसे भागा ही नहीं जा रहा था, और तभी वहाँ पर वही बैड गर्ल आ जाती है जो कि सबको अपने मकसद के लिए मारा करती थी।
वो नोरिको को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर उसके टीचर आ जाते हैं, वही टीचर जिन्होंने ये बैटल अरेंज किया था। वो दरअसल नोरिको को पसंद करते थे और उन्हीं को देख के वो बुरी लड़की वहां से भाग जाती है। और यहाँ पर नाना हारा भी आ जाता है और फिर उसके बाद वो बुरी लड़की और वो कर्ली बालों वाला ट्रांसफर स्टूडेंट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। और इसी दौरान वही ट्रांसफर स्टूडेंट उस लड़की को हमेशा के लिए मार देता है। उसके बाद वो सब डिवाइसेस को हैक कर लेता है जिसकी वजह से उनका सिस्टम काम ही नहीं करता। आर्मी और वो टीचर इस चीज को सोल्व करने में लग जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो एक बड़ा सा बॉम्ब वहां पे छोड़ देता है और उसके एक्सप्लोड होने के बाद सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान उसे भी हुआ था, उसकी आंखें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अब ये प्लान तो उन तीनों का था, तो वो तीनों यानी नोरिको, नाना हारा और उनका साथी वहाँ पर आते हैं ये देखने के लिए कि किसने किया। तो वो कर्ली बालों वाला लड़का इन्हीं पर शूट करने लगता है इनकी आवाज सुन के। अब उस तीसरे लड़के को काफी गुस्सा आता है कि हमने इसका क्या बिगाड़ा है, तो उसे शूट करके उसे मार देता है। इस दौरान वो खुद भी काफी जख्मी हो चुका था। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन था नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उस एक्सप्लोशन की वजह से मारे जा चुके थे। अब सिर्फ ये तीनों बचे थे, यानी बैंड वाला वो ट्रांसफर स्टूडेंट, नोरिको और नाना हारा। अब वो लोग जानते थे कि इनके डिवाइसेस तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो वो टीचर अभी भी इनकी बातें सुन रहा है। तो वो ट्रांसफर स्टूडेंट जान के उन दोनों पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ धोखे पे लेके आया, मैं तुम दोनों को मार दूंगा और खुद सरवाइव करूंगा। और इसी के साथ वो एक फेक शूट करता है जिससे उस टीचर को और आर्मी को ये लगता है कि खाली वही सर्वाइवर बचा है। लेकिन उनके कैमरास जो खराब थे तो वो ये देख ही नहीं पाते कि वाकई ये तीनों जिंदा हैं भी कि नहीं। और फाइनली टीचर तो अपनी बात में सक्सेसफुल हो चुका था, जो वो चाहता था वही हुआ। वो अपना सारा सिस्टम वहां से समेटता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि बस सब कुछ समेटो और चलते हैं। अब वो खाली टीचर ही वहां पर बच गया था। वो उसी सर्वाइवर लड़के यानी उसी ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलता है और तभी वहां पर नोरिको और नाना हारा भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर टीचर को तो सरप्राइज होना चाहिए था कि ये जिंदा कैसे हैं, लेकिन वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि ये साजिश थी, ये प्लान था उसी ट्रांसफर स्टूडेंट का। वो आकर एक ड्राइंग दिखाता है, एक पेंटिंग दिखाता है। वो कहता है कि देखो, इसमें सारे स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को मार दिया लेकिन पीछे बची नोरिको। तुम मुझे गलत समझती रही, मैं तुम्हें एक बेटी की तरह मानता था क्योंकि सब स्टूडेंट्स मेरी इज्जत ही नहीं करते थे, इवन मेरी बेटी भी मुझे बुरा कहती थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की, लेकिन सबने इस बात का भी गलत मतलब लिया, मैं काफी टूट चुका हूँ। वो नोरिको और बाकी स्टूडेंट से कहता है कि मुझे मार डालो, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं। लेकिन जब कोई उसे नहीं मारता तो वो अपनी गन उन पर पॉइंट कर लेता है। जब नाना हारा ये देखता है कि उसने नोरिको पर गन पॉइंट कर ली है, उसे पसंद करते हुए भी, उसे बेटी कहते हुए भी, तो वो उसी टीचर को शूट कर देता है। लेकिन हम पे ये रिवील होता है कि उस बेचारे टीचर के पास तो टॉय गन थी, वॉटर गन थी। तभी उनकी बेटी का उन्हें फोन आता है और वो बेचारा उसके बाद वहीं पर मर जाता है। यहाँ से आर्मी भी जा चुकी थी और सब कुछ क्लियर हो चुका था। अब पीछे तीन सर्वाइवर्स बचे थे, नोरिको, नाना हारा और वही ट्रांसफर स्टूडेंट। एक बोट लेते हैं और उसमें जाने लगते हैं, लेकिन वो बेचारा ट्रांसफर स्टूडेंट काफी ज्यादा जख्मी था और वो अपने वाउंड्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता और काफी ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो वहां पर मर जाता है। लेकिन वो मरते मरते उनसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए और मैं तुम लोगों को हमेशा याद रखूंगा। और इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नोरिको और नाना हारा किसी सिटी में पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली वो अपनी सिटी में ही गए होंगे, लेकिन यहाँ पे वो सबसे अपना मुंह छुपा रहे थे कि कहीं पुलिस या उनकी कोई और दुश्मन उन्हें पकड़ न ले। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो बच चुके थे और एक दूसरे के साथ थे। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।